राजनांदगांव में जैविक खेती को बढ़ावा देने 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का शुभारंभ डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू ने किया। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। वहीं इस 2 दिवसीय कार्यशाला में जिले के साथ साथ अन्य जिले के कृषि वैज्ञानिक भी पहुंचे और कार्यशाला में किसानों को रासायनिक खेती ना कर जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। महत्वपूर्ण हो गया है और आवश्यक भी है कि इस ढंग से सेमिनार, ऐसी जागरूकता जैसे शिविर जो जैविक खेती के बारे में जो हमारे डीन पाली जी हमारे महाविद्यालय कृषि विभाग के द्वारा आयोजित हो रही है, ये निश्चित रूप से कारगर साबित होगा और समय समय में आवश्यक भी है। और आज के जो इतना प्रदूषण के जो वातावरण जो फैल रहा है और एक ऑर्गेनिक जो खेती जो है बहुत ही जरूरी है हम सब लोगों के जीवन के लिए। निश्चित मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो आयोजन इस प्रकार के जो आयोजन है हम सब किसानों के लिए, हम जैसे कि उच्च टेक्नोलॉजी खेती करने वालों के लिए कारगर साबित होगा। सरकार भी इसमें कृषक भी आए हैं और विद्यार्थी वैज्ञानिक विद्यार्थी भी आए हैं, कैसे आयोजित करें, क्या इसका उद्देश्य, क्या लोगों को प्रश्न है? देखिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार भी 4 चिन्हों पे चल रही है, एक नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी। तो हमने घुरवा में इस घुरवा को हम ऐसे उन्नत तरीके से खाद बनाए जिसमें जैविक खेती हमारा किसान कर सके। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हम गाँव के लेवल पे हम जैविक खाद बनाएं और उस खाद को हम बाड़ी में उपयोग करें। हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी एक उपलब्धि है कि हर घर में बाड़ी है, हर बाड़ी में उगा है। और हमारे किसान अभी जो बाड़ी खेती कर रहा है वो सिर्फ ऐसी सब्जी उगा लेता है अपने खाने पीने के लिए। हमारा जोर ये है कि बाड़ी में जैविक खेती करें और साल भर की कमाई, पूरे साल भर का खर्च जो है ना बाड़ी से निकाला, बाड़ी में उन्नत जैविक खेती करें, जैसे उन्नत वर्मी कंपोस्ट बनाए, वर्मी खाद बनाए, कंपोस्ट खाद बनाए और हम मशरूम ले, मशरूम का बाई प्रोडक्ट कंपोस्ट में उपयोग करें। तो बाड़ी से इतनी आमदनी ले कि साल भर के खर्च चले और जैविक खेती करें और बड़े खेतों की आमदनी बड़े कामों में करें। और जैविक खेती के बारे में हम किसान को जागरूक करना है, जब वो बाड़ी से जो उत्पाद निकलेगा और बाड़ी से उत्पाद जब निकलेगा तो किसान जो है ना जब मार्केट में ले जाएगा, जब लोगों को पता चलेगा कि जैविक उत्पाद है तो उसको मार्केट में दाम भी ज़्यादा मिलेंगे और हम लोगों का स्वास्थ्य वर्धक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। आज जो दिनों दिन जो कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं वो अंधाधुंध रासायनिक दवाइयों के उपयोग से है।